हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद बिल्कुल ठीक हो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सीविला का स्वागत करता हूँ एस्ट्रो ब्लॉक के फाइनली एक सीरीज के अंदर। बहुत दिनों बाद भाई एस्ट्रो ब्लॉक वापस से चालू हुई है एंड मैं बहुत खुश हूँ यार। ये नया वाला थोड़ा एस्ट्रो ब्लॉक है, इसमें थोड़े अपडेट्स आए हैं और सामने यहाँ विंडो दे दिया भाई। ओ भाई सही लग रहा है। एक सेकेंड, अरे भाई बहुत कुछ आया है इसमें, इसको आराम से देखना पड़ेगा। बट सबसे पहले बता दूं भाई, इसमें बहुत सी चीज़ें अपडेट्स आई हैं। ये मैं फिलहाल तो मैंने खेला नहीं है, कैसा है इसमें? लाइक रेडिएशन तो पुराने था, बट टेम्परेचर शायद कुछ नया आया है एंड बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नई भी आई हुई हैं। लाइक ये रूम पूरा बदल दिया है, यहाँ पे पहले एक छोटी सी विंडो लगी रहती थी बट इस बार बहुत बड़ा ये कर दिया है। बट मस्त लग रहा है यार। एंड हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ओके भाई, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अपना रूम कैसा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन स्टोरेज मॉड्यूल है एंड ये मेरे ख्याल से, ये मैंने गलती से ले लिया, मुझे यहाँ रखना था ये। और ये मेरे ख्याल से ये ऑक्सीजन कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है एंड एक स्टोरेज मॉड्यूल लगा हुआ है एनर्जी का। इसको मैं पता नहीं इसको इनेबल कैसे कर सकता हूँ बट ठीक है। एंड मेरे ख्याल से सोलर पैनल पे चल रहा। और ये ठीक है, इस बार लोगों ने कोल का ये दे दिया, कोल जनरेटर। लास्ट टाइम जो था भाई वो सादा सा एक ये था, सोलर पैनल था, उसकी वजह से ना मतलब ठीक से ये स्पेसशिप काम नहीं कर पा रही थी। एंड ये मेरे ख्याल सीलर होगा, ये ऐसे सीलर है, थर्मल अटैचमेंट स्लॉट। ओके, तो सील हो रहा है कमरा, अच्छी बात है। एंड ये चार्जर है, ये मेरे ख्याल से वही सोने वाला है। एंड थोड़ा सा ग्लिच्ड है भाई कि ये पता नहीं ऐसे कैसे सो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ नई डिस्प्ले वगैरह दिखी मुझे, इससे हमारा रेडिएशन कम होता है। अगर हम लोग सोचते हैं उसमें रेडिएशन कम होता है। एंड बाहर जाके देखते हैं, यहाँ पे नया कुछ रूम्स है। यहाँ पे कंट्रोल रूम है एंड ये लाइफ सपोर्ट रूम है। यहाँ पे कुछ नया लगा दिया है, ये होलोग्राफिक साइन अच्छा लग रहा है। एंड ये लाइफ सपोर्ट, अरे भाई 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 भाई, एक मिनट रुको, ऑक्सीजन नहीं है ना। ठीक है, तो मेरे को पहले थोड़े बहुत टास्क करने पड़ेंगे। ये मेरी क्वेस्ट बुक है, ये भी थोड़ा पहले जैसा ही है एंड थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर दिया। यहाँ पे न्यू स्लॉट है शॉप का, इससे हम लोग चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, एमओ वगैरह ले सकते हैं हम लोग एंड गेम थोड़ा लैग कर रहा है। वेपन वगैरह ले सकते हैं हम लोग एंड वेपन ट्राई करेंगे। इसमें एक रेंच दिया हुआ है हमको जो कि गैलेक्टिक क्राफ्ट का है एंड थोड़े चारकोल दे रखे हैं इसको जलाने के लिए, जिससे हमारी एनर्जी बनती रहे, एनर्जी कमी ना हो हमें। उससे पहले तो भाई क्वेस्ट कर लेते हैं, इससे मुझे कॉइन मिले 9। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, क्लिक हियर टू कम्प्लीट। ओके, बस मुझे ये पहनना है अब, तो ये तो यहाँ पे पहन लूँगा मैं। एंड ऑक्सीजन टैंक वगैरह मिले मुझे। ठीक है, थोड़े और क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं अभी। ये तो सिंपल वाले क्वेस्ट हैं, सिर्फ मुझे क्लिक करके ये सब लेना ही है। एंड ये भी ले सकता हूँ मैं, एंटी रेडिएशन पोशन। एंड अभी यहाँ से मैं, हमारा जो काम है मेन काम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हमें वुड वगैरह लेना है। अगर आप लोग लास्ट एपिसोड देखा होगा लाइक बिल्कुल ही शुरू वाला, तो ये सब चीज़ें पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, रूम पूरा चेंज हो चुका है। एंड ये मेरे ख्याल से एंटी रेडिएशन, या इसकी मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं, इसको रख देते हैं वापस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टास्क देखते हैं क्या है। ये हमारा ओक वुड लेना है हमें एंड सैपलिंग चाहिए, मतलब ये हमें सैपलिंग भी देगा। ओके, मुझे सिर्फ एक ओक वुड चाहिए जो कि सामने लाइफ सपोर्ट रूम में मिल जाएगा मुझे, इतने कोई इशू नहीं है। तो एक्सकीवेट के लिए मेरे ख्याल से कंट्रोल ही है शायद। हाँ ठीक है, एक्सकीवेट के लिए कंट्रोल है। एंड फटाफट से मैं ये भी तोड़ लेता हूँ। सैपलिंग वगैरह मिलेगी? नहीं मिली, यहाँ से तो मिल जाएगी। ओके, मिल गई, ये रही, एक ही सैपलिंग मिली, इसको उगा देते हैं हम लोग। अरे यहाँ नहीं उगाना भाई, यहाँ उगा दे। एंड इसमें भी वही वाला मॉड पैक है, शिफ्ट करेंगे तो ये बोन मील का इफेक्ट देता है इसको एंड ये उग जाता है। तो ये उगना बहुत ज़रूरी है भाई, बिकॉज ये हमारा ऑक्सीजन कलेक्टर है। अगर लीव्स नहीं होंगे ना तो ऑक्सीजन कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अंदर जाके सब कुछ कलेक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सीलर लगा हुआ है ना, तो मेरी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हमें बाहर जाके एक्सप्लोर भी करना है भाई। इससे मुझे दो चीज़ें मिली हैं एंड ये मेरे ख्याल से इमरजेंसी रेशन, हाँ ये मेरे ख्याल से नया है, इसको हम लोग खा सकते हैं। एंड ये वही हंगर वगैरह भर देता है। पहले ना ये जो हेल्थ बार है ना वो यहाँ आते थे, बट मेरे ख्याल से मॉड पैक चेंज कर दिया इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं मेरे पास रखता हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं अब क्या है। ये हो गया हमारा, मुझे बनाना है क्रूक। तो क्रूक बनाने के लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए जो कि यहीं कहीं लगी रहनी चाहिए। लास्ट टाइम ना यहाँ पर बीच में एक मैग्नेटिक वाली क्राफ्टिंग टेबल थी। एंड नोटिस करोगे यहाँ पे आवाज़ कम आ रही है, बिकॉज ये कमरा सील नहीं है एंड स्पेस में आवाज़ ठीक से मतलब आती नहीं ऑब्वियसली। यहाँ पे बहुत कम आवाज़ हमको आ रही है एंड यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं। एक बार बस लास्ट बार ऊपर चल के देखते हैं अगर कुछ हो नया तो। एंड यस, टोटली पूरा चेंज कर दिया मेरे ख्याल से। रॉकेट लॉन्च, या ये रॉकेट लॉन्च पैड है। एंड एक वहाँ पे स्ट्रक्चर है भाई, हमारे स्पेसशिप के बगल में स्ट्रक्चर है। एंड बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे अच्छा, इस बार नया वाला डाला है, ये डाला है इन लोगों ने इस बार सोलर एरे मॉड्यूल। ये अच्छा वाला है, अच्छे से काम करता है भाई, वो पुराना वाला तो घटिया सा था। इसके ऊपर एक और लगा है क्या? ठीक है, एक और लगा है पावर देने के लिए, तो पावर का मेरे ख्याल से इशू नहीं है। और एक और स्ट्रक्चर है भाई, किस्मत अच्छी है हमारी,
अच्छा स्पॉन मिला इस बार। रूक बनाना था हम लोग को, तो क्राफ्टिंग टेबल कहीं मिली नहीं, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से मैं ये नहीं बना सकता। अच्छा ठीक है, तो एक स्टेशन होता है क्राफ्टिंग स्टेशन, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल से यहाँ। ओ भाई इसका ये कितना अच्छा लग रहा है टेक्सचर ना, चलो अच्छा है। अभी क्रू बनाने के लिए मुझे ये चाहिए, एंड क्या चाहिए था मुझे वापस देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। तो एक ये क्रूक बना लेते हैं, ये वाला क्रूक भी अच्छा काम करता है। बट आप लोगों ने अगर पहले भी देखा होगा तो मैं हमेशा अच्छा वाला क्रूक बनाता हूँ। उसके लिए बस मुझे तीन और ये चाहिए, एंड बस मुझे इनको ऐसे रखना है, ऐसे ये बन जाएगा। ये अच्छा वाला क्रूक है भाई, इससे अच्छा से काम हो जाता है। एंड मेरे को क्वेस्ट करना था, क्वेस्ट मेरा कम्प्लीट हो चुका है। इससे मुझे एक रिवॉर्ड मिला है जिसको मैं चूज़ कर सकता हूँ कि क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली या तो मैं फूड, पहले फूड ले लेते, फूड मेरे पास है एक्चुअली, मनी देख लेते कितना मिलता है। यहाँ सिर्फ 15 कॉइन मिले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी तो खैर सामने जाके ये तोड़ना है मुझे, तो वही कंट्रोल करके तोड़ूंगा तो मुझे साथ में कुछ चीज़ें मिलेंगी। सैपलिंग एंड ये मिला मुझे सिल्क वॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आप लोग को नहीं मालूम तो ये स्ट्रिंग देता हमको बेसिकली। आपको मैं करके दिखाता हूँ क्या करना है। इधर आ जाओ भाई, मुझे वुड चाहिए फिलहाल। तो एक हाथ पेड़ में कुछ ऐसे उगा देता हूँ जिससे ये तीनों एक साथ उग जाए। ठीक है, ये लोग तो नहीं उग पा रहे फॉर सम रीज़न, ऑब्वियसली नहीं उगेंगे यार, इसको जगह ही नहीं उगने के लिए। ठीक है, तो बस एक कीड़े मारने मुझे, एंड बस थोड़ा वेट करना है। जब तक वापस आऊँगा तब तक तो ये लोग काम कर चुके होंगे अपना। तो ये दिख रहा है ना 17-18% ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो इसको बस ये हो जाने के बाद मुझे तोड़ना ही है लीव्स, तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास ओक लीव्स भी है तो कोई इशू नहीं है, मतलब सैपलिंग है। स्ट्रिंग चाहिए मुझे, तो सिल्क वॉर्म मिल गया मुझे, 16 स्ट्रिंग चाहिए जो कि अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। एंड मुझे बनाना है ये क्रूसिबल, एंड ये बनाना ईजी है, बट वुड चाहिए, एंड वुड मेरे पास थोड़ा सा कम है। देखते अगर यहाँ पर काम हो गया हो तो। सब हो गया ना, हो गया, बस मुझे इस तोड़ना ही है, एंड भर भर के स्ट्रिंग मिल जाएगा। और अब ये भी तोड़ लेते हैं, एक हाथ पेड़ तो उगा के रख ही देता हूँ भाई। चलो ठीक है, तीन पेड़ उगा दिए मैंने, काफ़ी है फिलहाल के लिए तो। एंड अभी मुझे बनाना है क्रूसिबल, ये रहा। तो ये पानी बनाने का काम आता है अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो। इसके अंदर बस मुझे ये डालना है, तो देखो भाई पानी बनना शुरू हो रहा है ना, ये देखो। तो ये स्ट्रिंग तो मेरे ख्याल सादा स्ट्रिंग है। अब इसका देखते रिवॉर्ड क्या मिला मुझे, इससे मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो इस बार मनी वही लेता हूँ, देखते कितने पैसे मिलते इस बार। 300 कॉइन मिले हैं भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता, ठीक है। इसका भी मुझे टास्क कंप्लीट हो गया, इसका भी मुझे मिलेगा तो ऑब्वियसली मनी। इसमें 75 कॉइन्स मिले हैं, ठीक है कोई इशू नहीं, ठीक ठाक ही मिले। एंड मुझे ये वाटर बकेट, उसके लिए चाहिए मुझे वाटर बकेट। कैसे बनेगी, अरे ये तो दिक्कत हो गई। वाटर बकेट के लिए तो मेरे ख्याल से आयरन, हाँ तो मुझे आयरन की खोज करनी पड़ेगी आज। उससे पहले बनाते हैं वुडन पिकैक्स, एंड वुडन पिकैक्स के लिए वुड है मेरे पास, चलो है थोड़ा बहुत तो काम चलाओ। तो इस बार ना पिकैक्स में थोड़ा सा ये हुआ है, अपडेट हुआ है। लास्ट टाइम हम लोग भर भर के पिकैक्स ले जाते थे लाइक 10-15, इस बार हम लोग एक ही पिकैक्स यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, मतलब अपडेट मतलब रिपेयर कर सकते हैं। आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है वो। उससे पहले भाई मुझे ये चाहिए इसका, क्योंकि इसके बिना मैं नहीं जा पाऊँगा। ये रिवॉर्ड अच्छा है, ये ग्रैपलिंग आर्म है, आप लोग को नहीं पता तो। ये मुझे लास्ट एपिसोड में अगर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब लास्ट सीरीज़ में ऑब्वियसली, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं घूम जाता हूँ बार बार, स्पेस में काम आएगा। एंड एक बार ना ऑक्सीजन टैंक चेक कर लेते अपना कितना है, थोड़ा सा कम है तो रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, जो फुल वाला है वो यूज़ कर लेते हैं। एंड ये रख देते इसमें, तब तक ये भर जाएगा। आप चलते ऊपर, मुझे सिर्फ ये माइन करना है, एक एस्ट्रॉइड माइन करना है 8 ब्लॉक्स, वो भी जो कि हो जाएगा आराम से। यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स हैं आजू बाजू, एंड अगर मैं जे प्रेस करता हूँ तो मेरा मैप खुल जाता है। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये दो स्ट्रक्चर तो वहीं पर ही हैं, अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ चला जाऊँ सामने ही बिल्कुल, क्योंकि वो पास में भी है एंड ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये नीचे वाला ही मेरे ख्याल से ठीक है, बट वहाँ पे मॉब्स वगैरह के हुए हैं ना, ठीक है चलो। अरे भाई गिरना नहीं था, गिरना नहीं था, चलो ठीक है चलो, अभी गिर गए तो चलो। मेरे पास एक बार पिकैक्स वगैरह आ गए ना, अच्छी स्वॉर्ड वगैरह आ गई तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। उससे पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। पिकैक्स, अरे पिकैक्स रखाया भाई, मैं क्या पागल हूँ। अरे पकड़ ले भाई, अरे नहीं पकड़ पाया। एक तो कुछ दिख भी नहीं रहा यार, मुझे वो कैट चाहिए जिससे नाइट विजन मिलता है। अरे भाई एक मिनट कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलो भाई नीचे हो लो फटाफट, ये मारेगा भाई मुझे पक्का। यहाँ पकड़ ले, बस। जल्दी अंदर हो लो। एंड अगर मैं एस्केवेट कंट्रोल दबा के करूँगा तो ये पूरा ये कर देगा। हाँ
मिला मुझे स्टोन, ठीक है। तो उससे पहले तो मैं मेरी पिकेक्स रिपेयर कर लेता हूँ, बस बहुत है। एंड अभी ये भी तोड़ देते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए और वगैरह इसके अंदर। तो ओके, मुझे इस साइड खोदना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिलहाल तो मेरे पास इतने काफ़ी है। एंड ये मुझे तंग करेगा, इसको निकालना पड़ेगा। अरे मैं देख ही नहीं पाया, वो देखो गैलेक्सी, ये मिल्की वे दिख रही है भाई, बिल्कुल मस्त लग रही है। ठीक है, निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। अरे भाई मत मार प्लीज़, रुक जाता रहा। पकड़ लेगा ये, पकड़ लिया पकड़ लिया। चलो भाई ये टास्क तो हुआ अपना। एंड मैं अच्छे खासे स्टोन लेके आया हूँ। एंड थोड़ा खाना खाना पड़ेगा भाई मुझे। ओके, तो मुझे ये मिल गया। एंड इसका कॉमन रिवॉर्ड वगैरह मिला हुआ है, देखते हैं क्या है। मनी लिख लेते कितने मिलते हैं इससे। 100 मिला, ठीक है। टोटल मनी कितना हुआ मुझे देखना पड़ेगा, कितने पैसे हुए। मेरे पास 499 है अभी। मैं चाहूँ तो थोड़ा करके राइफ़ल ले सकता हूँ, बट राइफ़ल वगैरह नहीं लूँगा, पहले फूड वगैरह पे स्पेंड करूँगा, बिकॉज़ फ़ूड मिलना बहुत हार्ड है। ठीक है, पानी बन गया वैसे हमारा, ये अच्छी बात है। अभी मुझे क्या करना है आगे देख लेते हैं। एक मुझे हैमर बनाना है टू ब्रेक एक्स्ट्रा रॉक इनटू कोबलस्टोन। ओके, तो ये सीधा कोबलस्टोन में तोड़ देता है। बट इसको बनाने के लिए वुड चाहिए ना, और वुड मेरे पास नहीं है, मुझे सामने जाना पड़ेगा। ओके, दुनिया भर का वुड आ गया, अभी इसको तोड़ो एंड इसको उगाओ फटाफट। ठीक है भाई, वुड ले आया हूँ मैं, तो वुड रखना एक सेकेंड को। क्या बनाने हैं मुझे भूल गया मैं, मुझे हैमर बनाना था ना मेरे ख्याल से। इसकी रेसिपी क्या है? ओके, दो वुड ऐसे रखना है और ये स्टिक ऐसे रखना है। ठीक है, सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये ऐसे रखना है एंड ये ऐसे, तो ये बन गया वुड, हमें आई मीन हैमर। अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो इसे तोड़ सकता हूँ, बट इसका पॉइंट ही क्या है जब मैं ये भी कर सकता हूँ। ये तो मुझे पता था पहले से ही, तो ये एक तरह से सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए बनाया है, इतना कुछ नहीं है। इसका रिवॉर्ड मिला मुझे, इसमें मैं फूड ले लेता हूँ यार, फूड, और ये भी ले लेता हूँ, इसको फूड ले लेता हूँ, दोनों फूड ले लेते हैं। कैन बेक पोटैटो, कैन ब्रेड, ठीक है भाई। अब मुझे करना है भाई आयरन की खोज। एंड इसका ये है नाइट विजन गॉगल्स, ये मुझे चाहिए, इससे रात को हम लोग देख सकते हैं, मतलब एक तरह से अंधेरे में दिखता है नाइट विजन गॉगल्स, आप लोगों को पता नहीं। तो कोल चाहिए और थोड़ा आयरन चाहिए, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा वापस से। ठीक है, तो सामान रखो अंदर आप भाई, और सबसे पहले तो इसको मैं फेंक दूंगा, ज़रूरत नहीं इसकी मुझे। सबसे पहले तो मुझे बनाना है आयरन, स्टोन की पिकैक्स, उसके लिए वुड लगेगा वापस से। एक ही बना लेते हैं और फिर उसको रिपेयर करते रहेंगे, इतना कुछ इशू नहीं है। अब चलते हैं वापस बाहर, एंड होपफुली यहीं आसपास कहीं आयरन मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता अभी, क्योंकि वहाँ अंदर मॉब्स वगैरह होंगे एंड मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, क्या मिला? लेड मिला है मुझे, ठीक है। लेड तो मैं ले लेता हूँ जितना हो सके, क्योंकि लेड बाद हार्वेस्टेबल। अच्छा, वुडन पिकैक्स से हार्वेस्ट ही नहीं होता है ये, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ एक मार्क, इसको डालता हूँ यहाँ पे लेड, ठीक है। एंड कलर इसका मैं कर देता हूँ येलो, सेव कर देते हैं इसको, तो मुझे याद रहेगा कि मैं यहाँ पे लेड है यहाँ पे। लेकिन मैं ऊपर कैसे जाऊँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा भाई, बस वो क्रीपर्स वगैरह ना मेरे पर जंप कर दे भाई, गिरना मत। इसको रिपेयर करो यार पहले, ये क्या है, एस्ट्रॉइड रॉक है ये तो। ओके, अब तोड़ो इसे, क्या मिला? अरे लेड, यहाँ पे भी लेड ही पड़ा हुआ है यार, ये क्या है, सॉलिड मिटोरिक। एक सेकेंड, ये इससे काम चल जाएगा? मुझे पता आप लोग कुछ दिख नहीं रहा अभी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अभी मेरे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं है। तो ये देख लेते मिल जाता है, तो ये क्या है? अच्छा, सॉलिड मिटोरिक आयरन, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्क पड़ा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक मार्क लगा देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक ग्रीन, ठीक है। अब चलते ऊपर, ऊपर वाले भाई। 1 minute 37 seconds later. चला जा भाई। अरे भाई इधर ही आ गया ये तो, मैं इस साइड से जाऊंगा। अरे यहाँ पे तो नहीं आ जाएगा, अरे भाई यहीं पे ही है वो तो। मैं मरने ही वाला हूँ यार, निकल लो यहाँ से भाई। मरा ही मरा भाई, क्या नाटक है यार, यहाँ से कोई ना कूद जाए। क्या मिला? अच्छा यहाँ पर भी लेड ही है यार, कितना लेड मिल रहा है मुझे, हर जगह लेड लेड। यहाँ पे भी ट्राई करना पड़ेगा मुझे, शायद इसके अंदर तो मिल ही जाए आयरन। इसमें कुछ है भी कि नहीं है? ओ ये रहा, अच्छा टिन मिला है, इसको मैं ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ, ठीक है। टिन ले लेते हैं फिर, टिन तो हमें बाद में काम आएगा ही, पूरा ले लिया मेरे ख्याल से मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। कितना मिला? 2 stack तो नहीं, चलो 1.5 stack मिला, ठीक है कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। अभी ऊपर हो लो, भर भर के लूट लेके आया हूँ भाई मैं, ये सब रख दो पहले तो, इनकी नज़रों में नहीं आना बस। अरे वहाँ पे ज़ॉम्बी खड़ा है यार एक, साइड से हो लो फिर भाई, तंग मत करना मुझे, चला जा। अरे भाई आ गया यहीं पे, जा यार प्लीज़,
जीना हराम कर रखा है भाई। ओके यहाँ से एस्केवेट करते हैं, देखते कुछ मिल जाए तो प्लीज़। ये क्या है? अच्छा अरे वापस से लेड दे रहे हैं यार ये लोग, इतना लेड क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए इतना लेड। ओ रेडस्टोन मिला। ओके रेडस्टोन माइन कर सकता हूँ मैं? ओके रेडस्टोन तो माइन कर सकता हूँ, ठीक है ले लो इसको, जितना मिल रहा है ये तो ले ही लो। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और है तो मुझे यहाँ पे मार्क लगा देना पड़ेगा। मैं हूँ कहाँ पे वैसे अभी? रेडस्टोन करो उसको, करो लाल, ठीक है जगह भर गई मेरे ख्याल से मेरे इसमें। रखो फिर ये सब, इतना सारा कचरा भर गया भाई इसमें। मुझे चेस्ट बनाने पड़ेंगे, चेस्ट बनता है ना इसमें? सादा चेस्ट तो बन जाता होगा। ओके बन जाता है, ठीक है यार। मैं जिसके लिए गया था वो तो मुझे मिला नहीं, फालतू की चीज़ें और मिल गई, रेडस्टोन वगैरह ये अभी मुझे नहीं चाहिए था रेडस्टोन वगैरह। एक बार आपस से ऑक्सीजन टैंक चेंज कर लेते हैं अपना जो खाली हो चुका है। स्पेसशिप से दूर जा रहे हैं। अरे भाई एंडरमैन, इसको देख, एंडरमैन कब से आने लग गया? मैं तो देखा ही नहीं, इसको तो देखना ही नहीं है भाई मेरे को, इससे पंगे नहीं लेना मेरे को। चलो भाई अंदर हो लो। अरे निकल ले भाई निकल ले, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज़ निकल ले। आयरन फाइनली भाई मिल गया आयरन। ओ भाई यहाँ पे पड़ा था यार आयरन, निकाल लो जितना हो सके सब ले लो। मैं तो इस बार आयरन शार्ड नहीं मिल रहा है, इस बार मुझे शायद यही मिल रहा है। ठीक है दो स्टैक, तो तीन, ऑलमोस्ट तीन स्टैक मेरे को आयरन मिल गया। ओ सिल्वर है यहाँ पर, ठीक है सिल्वर, ये सिल्वर नहीं चाहिए मुझे, मैं ले भी नहीं सकता इसको यार। यहाँ मुझे मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिल्वर है। कोल इतना रेयर है क्या? मुझे सच्ची नहीं पता था कोल इतना रेयर होगा करके। ओ ये क्या है? कॉपर। अरे भाई ले लो, ले ही लो भाई सब ले लो, कॉपर भी ले लो। ये क्या है? एल्यूमिनियम, फिर से एल्यूमिनियम मिल रहा है मुझे। कौन सा लेवल है ये? ये 200 है, ले लो कितना एल्यूमिनियम है जितना हो सकता है ले लो। One hour later. क्रीपर मेरी हेल्प करेंगे भाई, फट जाओ प्लीज, फट जाओ भाई, फट जाओ फट जाओ। अरे रुक जाओ इतने पास नहीं, अरे सही दिया। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, सामान दो। अरे ये क्या है? ये मैं हूँ। ओ भाई सामान दो मेरा पहले। ओके थैंक यू। अरे रुक जा, अरे भाई, अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। एक और है यहाँ पे, ये क्या है? गोल्ड ओर, इसको मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ? ले सकता हूँ, गोल्ड भी ले लो फिर यहाँ से। तो कहाँ गया? अरे ऊपर मत जा भाई, एक मिनट रुक जा मेरे पास आ जा। 1:37 later. दुनिया भर की चीज। अरे ग्रैपल, अरे क्या हुआ? ऑक्सीजन? अरे नहीं, रुक जा, पकड़, पेस में नहीं मरना भाई, थोड़ा सा ये ज्यादा दूर नहीं। अरे ऊपर होने, अरे मरा, अरे पकड़ ले, अबे ही मर जा, दूर मत मरना। मरा ही मरा, ज़्यादा दूर नहीं है, रुको जरा, मरना मत। अंदर बच गए। सील है ना ये? अरे सील नहीं है भाई, क्या नाटक। अरे फोन निकालो, मरा, मर गया भाई। दूसरी बार मर गया यार। अरे मैं ऑक्सीजन पे ध्यान ही नहीं दे पाया यार, फालतू की चीजें मिल रही है, गोल्ड एल्यूमिनियम मेरे को चाहिए भी नहीं है यार अभी ये। मावशी चिगांड, सॉरी। तो भाई कोल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं ऑफलाइन जरूर ढूंढूंगा कोल हो सका तो, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। बट मैं क्या करूँगा, ऑफलाइन ये जगह ढूंढूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं गया, मैं बस यहाँ घुमाऊँ। अगर आप लोग देख रहे हो निशान से, तो मैं इतनी जगह घुमाया हूँ, यहाँ तक दूर तक भी घुमाया हूँ, तो मैं इस साइड जाके छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं वहाँ देख के आऊँगा, एंड होपफुली वहाँ मिल जाए मुझे। बाकी आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।